गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड इन आवर चैनल आज हम लोग बात करेंगे एक अनदर केमिकल टेस्ट या बायो केमिकल टेस्ट के बारे में निन्हाइड्रेन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में और इस चीज़ को हम डिटेल में चलेंगे विद फार्मूला के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे निन्हाइड्रेन टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है या बायो केमिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको जिसमें प्रेजेंस ऑफ अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी अमाइनो एसिड अमाइंस को हम डिटेक्ट करते हैं चल के सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा सोल्यूशंस है हमें ऐसा मिलता है कि इसमें अमाइनो एसिड या प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स हैं या अमोनिया है तो उनकी प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को लैब में एनालाइज करते हैं जाकर के इसमें निन्हाइड्रीन टेस्ट को बोलते हैं टेस्ट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द निन हाइड्रीन एजेंट हम बाहर से भी निन्न हाइड्रीन एजेंट को ऐड करते हैं फार्मोलेशन ऑफ द डीप ब्लू कलर का जो फार्मेशन होता है उसे हम रूमेंस पर्पल्स कहते हैं जो जो शो करता है कि इस सोल्यूशन में यहाँ पे अमाइनो एसिड या अमोनियम या फिर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी अमीन प्रेजेंस है जाकर जो मेन ऑब्जेक्टिव हम इसी चीज को देख सकते हैं जाकर कि प्रेजेंस ऑफ अमीन अमाइनो एसिड को हमारा जो भी टेस्ट सोल्यूशन में उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज जा, किया जाए क्वांटिफाई किया जाए अमाइनो एसिड को है कि नहीं है जाकर और डिस्टिंग्विश करने के लिए क्योंकि उस सोल्यूशन में और भी चीज़ें से कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के बीच के डिफ्रेंसिएशन करने के लिए सेपरेशन करने के लिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिकल केमिस्ट्री लैब में या बायोकेमिकल मैथड में जो प्रिंसिपल इसके बिहाइंड किया जाए कर प्रजेंस ऑफ टू मालिक्यूल ऑफ निनहाइड्रेन टू टू डाइहाइड्रोक्सी इंडेन वन थ्री डायोन जब रिएक्ट करते हैं तो फ्री अमाइनो अल्फा अमाइनो एसिड का प्रोड्यूस करते हैं जो पर्पल डीप पर्पल होगा या ब्लू कलर का इस टाइप का सोल्यूशन बनेगा जिसे हम व्यूमन सोल्यूशंस या पर्पल्स बोल देते हैं जाकर दिस रिएक्शंस निनाहाइड्रन एक्ट एज एक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने बाहर से निनाहाइड्रन यूज़ किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और डी एमिनेज डीएमिनेशन करेगा जाकर डिकार्बोक्सिलेशन करेगा अमाइनो एसिड इवेल्ट्रेड जो बाहर से हमने देते और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है में उसके साथ जो रिएक्शंस होती है डीएमिनेशन रिएक्शन होगी जाकर और डिकारबॉक्सिलेशन रिएक्शन होगी जिसकी अमाइनो एसिड की और ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होगी तब इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से जो बाहर से सप्लाई किया गया इन हाइड्रोन एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने से जो रिएक्शंस या इंड प्रोडक्ट फार्मेशन हो रहा है जाकर उसको हम लोग क्या बोलते हैं जाकर उससे कैसे कलर चेंजेस आ रहा है जाकर दिस रिएक्शन देन फॉलोड अगर ये दो प्रोसेस हो जाते हैं कंडेंसेशन स्टार्ट होता है जाकर फिर दो दोनों मालिकुल क्योंकि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने हाइड्रीन ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखा और जो केमिकल रिएक्शंस द्वारा जो अमाइनो एसिड के बाद जो बनता है डिएमिनेशन और कार्बोक्सिलेशन के बाद निन हाइड्रनिजन बनता है तो नीन हाइड्रिन वो मालिक्यूल और बाहर से सप्लाई दोनों कंडेंस करते हैं और एक सल्यूशन का फार्मेशन करते हैं जो कि पर्पल कलर का शो करता है जाकर सल्यूशन में जाकर उसे हम बोलते हैं डाइक्टोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन बोल देते हैं इन अमाइनो एसिड लाइक प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सिड कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें प्रोलिन आता है हाइड्रोक्सिड प्रोलिन आता है इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं जाकर तो उन उनके जो साल्स होता है एमिनियम साल्स बोलते हैं जो उसका कलर येलो ऑरेंज होता है इस टेस्ट में अगर देखते हैं सिमिलरली प्रोटीन्स विद फ्री अमाइनो एसिड वाले जिसके साथ फ्री अमाइनो एसिड कुछ प्रोटीन्स होती हैं अमाइनो एसिड होते हैं इनमें स्पेजीन होता है जाकर रिएक्ट करता है इन हाइड्रोजन एजेंट के साथ तो ब्राउन कलर का फॉर्मेशन करता है मतलब हर अमाइनो एसिड कुछ ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स फॉर्मेशन है या कुछ ऐसे जिसमें एसिड होता है उनके द्वारा जो एजेंट या हाइड्रीन रियक्शन में किस टाइप के कलर आएंगे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जाकर इंटेंसिटी ऑफ जो फार्म होती है वो डिपेंड करती कांप्लेस है कॉम्प्लेक्स कितना स्ट्रांगली फार्म हुआ जाकर उसके हिसाब से कलर की इंटेंसिटी भी डीप डिपेंड करती है जाकर तो अगर हम इस रिएक्शंस को देख सकते हैं इन निन्हाइड्रीन हमने बाहर से सप्लाई किया अमाइनो एसिड हमारे साथ इसमें है इनको हमने रिएक्शंस करने में कार्बन डाइऑक्साइड एक अमोनियम कंपाउंड्स का फार्मेशन हो रहा है जाकर और रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन बनना है और ये रिड्यूस्ड निन हाइड्रीन और जो एक्स्ट्रा सप्लाई किया गया जाकर बाहर से नीन हाइड्रीन फिर से कंडेंस करके वायलेट ब्लू कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फार्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का रिलीज करता है तो ये एक प्रकार का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन डी एमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि अमोनियम निकल, तो निकल रहा तो डी एमिनेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है डिकार्बो प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं फिर थर्ड सेकेंड प्रोसेस में आते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस तो ये तीन प्रोसेस से बना हुआ निन टेस्ट है इस चीज़ को हम समझ सकते हैं रिक्वायरमेंट में आते हैं रिएजेंट निन रिएजेंट क्या होता है इसको हम लैब में भी या केमिकल जो लैब बुक होती है उसमें पता कर सकते हैं कि इसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं डायलोवेंट्स यूज करते हैं तो उसमें मिक्स वैलूम्स क्या था स्टैंडर्ड सिंपल साइज मटेरियल रिक्वायर टेस्ट ट्यूब्स ये सारी चीज़ें और इक्विपमेंट हमारे वाटर बाथ क्योंकि टेम्प्रेचर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए अब आते हैं प्रोसीजर पर प्रोसीजर दो प्रकार के होते हैं क्वालिटेटिव होता है एक क्वान्टिटिव होता है पहले हम क्वालिटेटिव टेस्ट पर चलते हैं जाकर जिसके स्टैंडर्ड वन मिली ऑफ द प्रोटीन सोल्यूशन लेते हैं वन ट्यूब में और वन में हम सिंपल अनदर टेस्ट ट्यूब ड्राई करके रखते हैं फिर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडियन हाइड्रोन एजेंट को हम दोनों ड्रॉप्स में डालते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं अब हम उसके बाद वाटर बाथ पर पाँच मिनट के लिए रखते हैं और फिर उसको कूल करते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं कलर चेंजेस क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है जाकर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में करते हैं जाकर पाइपेट द्वारा टू डिफरेंट टाइप की जो है टेन एम एल ट्वेंटी एम एल को लेते हैं फिर हम प्रोटीन सोल्यूशन को उसमें सप्लाई करते हैं जाकर डिस्टिल वाटर के साथ फिर ट्यूब को ब्लैंक जो अलग दो ट्यूब्स लेते हैं एक में हम सोल्यूशन डालते हैं एक में ब्लैंक रखते हैं उसमें डिजिटल वाटर रखते हैं सिर्फ ब्लैंक वाली में फिर हम उसमें उसको पंद्रह मिनट के लिए अनोन सैंपल के साथ रिएक्शंस कराते हैं अब वन परसेंट अब इन एजेंट को ऐड करते हैं दोनों सोल्यूशन में पाँच पाँच डायलूशन का तो कूल करते हैं फिर उसको प्रॉपरली वाटर मिक्सिंग या वर्टेक्स किया जाता है फिर कूल करते हैं फिर कलर चेंजेस को हम देखते हैं जाकर कि कितना आ रहा है आफ्टर टेम्परेचर हाई करने के बाद पंद सत्रह मिनट के लिए या बीस मिनट के लिए बॉयलिंग टेम्परेचर पर रखते हैं तो अब इस टेम्परेचर पर प्रोलिनस का कितना क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी सोल्यूशन से तो प्रजर्व क्योंकि क्वान्टिटिव क्यों ज़्यादा थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव से रिएक्शन बट इसका जो रिजल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू मोर इफेक्टिव या इफिशियंट है क्वालिटी ऑब्जर्वेंस को बहुत ही कंसंट्रेशन ऑफ द अमाइनोसिट सब डिफाइन करता है किस किस अमाइनोसिट के लिए कौन कौन सी ऑब्जर्बेंस होती है जाकर वो हम इस मेथड द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं जाकर सोल्यूशन से फिर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इन हाइडेंटि किस तरह करते हैं प्रेजेंस ऑफ परफिल कलर इन द ट्यूब्स पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेटर ऑफ द मैनो प्रेजेंट हो रही है अगर हमारे पास जो क्वांटिटेटिव कर रहे हैं जाकर उसमें हम ऑब्जर्वेंस यानी कि ऑब्जर्वेंस को कर रहे हैं जाकर फाइव सेवेंटी नैनोमी मीटर पर क्या आ रही है जाकर या फोर फोर्टी नैनोमीटर पर प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन का क्या आ रहा है सोल्यूशन उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं और प्लाट करके अगर हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं ये तो हमारा आएगा क्वालिटेटिव टाइप का तो निहाइड्रेन निगेटिव आ रहा है जाकर ब्लैंक से है और जिसमें पॉजिटिव आ रहा है उसमें हमारे पास दो तो कलर के आ रहे हैं जाकर एक तो प्रोलिन के लिए आ रहा है एलो टाइप का और बाकी पर्पल कलर आ रहा है जाकर अनंत माइग्नोसिट के लिए तो अब ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स इन द ट्यूब रिप्रेजेंट टेस्ट निगे तो वी कैन अंडरस्टैंड बाई दिस ग्राफिकली हम इस चीज को के लिए हम में करते हैं तो ग्राफ्स के डिस डिफाइन करना चाहिए वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे कि किस तरीके से इन आइडेंट को ग्राफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज आप इन टेस्ट डिटेक्शन ऑफ द माइनो एसिड के लिए यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है सॉलिड वेस्ट पेप्टाइड सिंथेसिस जो मॉनिटर की जाती है वहाँ पर इसका यूज बहुत ही स्टैंडर्ड किया जाता है और एक और चीज़ होती है क्वाइट सेंसिटिव होते हैं कॉमनली डिटेक्ट फिंगर प्रिंट्स भी जो प्रोटीन्स होती है क्योंकि हर बॉडी सेल्स में इनको भी वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है जाकर तो फिंगरप्रिंट टेस्टिंग में लिमिटेशन हर एक एक्सपेरिमेंट के कुछ कुछ ना लिमिटेशंस होते हैं जाकर इसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के भी बहुत सारे लिमिटेशन है वी मस्ट नीड टू गो फॉर द प्रिकॉशन वन यू आर डूइंग द एनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस जैसे कि इसमें है नॉट रिएक्ट अल्फा माइनोसिड आल्सो नाइट्रोजन माइनोसिड फ्री माइनोसिड सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन रीड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट लाइक दैट तो ये भाई दोस्तों एक अंदर केमिकल टेस्ट है टेस्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है लैब में यूज़ किया जाता है स्पेशली इन द ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग बहुत यूज़ करते थे इस चीज़ को और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग न्यूज़